नमस्कार आदाब, हमारे विशेष रिश्तों में गर्माहट में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। इस्लामाबाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का जोरदार स्वागत हुआ और लगा बर्फ पिघलने लगी है। रिश्तों की मजबूती को लेकर संयुक्त बयान, इसके साथ तय हुआ पीएम मोदी का अगले साल का पाक दौरा, एक के बाद एक जुड़ती कड़ी इशारा करती है इस बार कुछ नया होगा। वैसे भी आतंकवाद पर अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता है वो आतंक का पनाहगार नहीं, पीड़ित है। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ से 2 मिनट की मुलाकात से ये तो उम्मीद बनने लगी थी, और फिलहाल नए सिरे से हुई चर्चा पटरी पर नजर आ रही है। जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष रिश्तों में गर्माहट। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से चर्चा करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान पहुंची सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफिस के सम्मेलन में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री के साथ विदेश सचिव एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस्लामाबाद गए हैं, जो महज 3 दिन पहले बैंकॉक में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर जंजुआ और विदेश सचिव से मिले थे, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था। सुषमा ने पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखते हुए कहा कि मैं इस संदेश के साथ आई हूं कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हों। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ये अफगानिस्तान से वाबस्ता है, और इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर शिरकत करने के लिए मैं हिंदुस्तान से आई हूँ। मैं संदेशा यही लेकर आई हूँ कि रिश्ते और अच्छे हों और आगे बढ़े, और बात क्या होगी ये जाते वक्त पता चलेगा। भारत के किसी विदेश मंत्री की पाकिस्तानी यात्रा 3 साल बाद हुई है। इससे पहले 2012 में एस एम कृष्णा ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इसी के साथ ही भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये भी साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सुषमा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान आएंगे। विदेश मंत्री ने जहां एक तरफ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से आतंकवाद पर बात की, साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से आतंकवाद पर भी चर्चा की, वहीं दूसरी तरफ इस दौरे का विरोध भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। जाहिर है पाकिस्तान लगातार सीमा पर गोलीबारी कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में विदेश मंत्री का ये दौरा कितना कारगर साबित होगा ये तो देखने वाली बात होगी। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो आपने देखा, एक उम्मीद वाबस्ता है, सुषमा स्वराज कह रही हैं, ये पता तो चलेगा जब संयुक्त बयान होगा और जाते समय जो बयान देंगे। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य हो जाए, ये दोनों देश की आवाम ये ज़रूर चाहती है। और इस कड़वाहट और इस अघोषित जंग का जो नुकसान है वो सीमा पार दोनों देश झेलते हैं। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शशांक श्रीवास्तव और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संतोष मानव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संतोष मानव, आप कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? और बड़ा इस दौर में बड़ी जल्दी जल्दी चीज़ें बदलती हैं, करवटें लेती हैं। कभी कहते हैं इसलिए हम बात नहीं करेंगे, कभी कहते हैं आइए स्वागत करते हैं, फिर कभी कहते हैं हम खुद पहुँच गए। लेकिन लगातार बड़ी तेज़ी के साथ घटनाक्रम बदलता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। ये कैसे देख रहे हैं आप, और इस दौरे से आप क्या उम्मीद लगा? हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, इसमें शिरकत करने गई हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। मुझे लगता है कि विदेश मंत्री को इस कॉन्फ्रेंस में तो जाना ही था। अगर भारत इसमें शामिल नहीं होता तो उंगलियां भारत की तरफ उठती कि देखिए वो पाकिस्तान से बेहतर संबंध नहीं चाहते। मैं इसको इसी रूप में देख रहा हूं कि वो गए, अब इसका क्या असर होगा, क्या होगा, ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी।
मुझे लगता है कि इसका कुछ बहुत दूरगामी असर होगा और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सही हो जाएंगे, सीमा पर गोलियां बंद हो जाएंगी। कुल मिला के बात यही है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहे, मुझे तो यही लग रहा है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। शशांक श्रीवास्तव, आप कैसे देखते हैं? बहुत कई बार कई तरह से विदेश नीति के मामले में बार बार हमारी अलग अलग तरह की रणनीतियाँ सामने आती हैं, और चलिए सुषमा स्वराज पहुँची गई। आलोचना दो दिन तीन दिन पहले भी हुई थी, प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ जब मिले तब किसी ने सराहना की, किसी ने आलोचना की, अब गई हैं फिर भी तरह तरह की बातचीत है। आप कैसे देखते हैं इसको? मेरा ये मानना है कि पड़ोसी कभी बदला नहीं जा सकता, और हमारी सरकार पूरे एशिया में शांति के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला तब से एक तरफ तो उन्होंने बॉर्डर पे उन हमलों के लिए हमारे जवानों को पूरे अधिकार दिए और उसका प्रतिकार करने का पूरा उनको हक दिया, और साथ ही साथ दूसरे स्तर पर उन्होंने बातचीत करने का भी प्रयास किया, और हार्ट ऑफ एशिया की जो कॉन्फ्रेंस है वो इस दिशा में एक निश्चित रूप से एक बड़ा कदम साबित होगी। जैसा कि अभी सबकी जानकारी में आया कि माननीय मोदी जी का भी पाकिस्तान दौरा होगा, तो निश्चित रूप से इससे संबंधों में गर्माहट आएगी, और आने वाले समय में जो हमारी प्रतिबद्धता है कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा, और आने वाले समय में जब मोदी जी वहाँ पर होंगे तो निश्चित रूप से दोनों देशों का वातावरण अच्छा होगा। लेकिन जहाँ तक पुराने अनुभव की बात है, माननीय अटल जी ने नवाज शरीफ के समय बस से दौरा किया और उसके बाद कारगिल का हमला हुआ, तो पाकिस्तान ने कई बार ऐसी अपनी जो परिस्थिति है उसमें एक तरफ तो समझौता किया, दूसरी तरफ हमला किया, लेकिन बाद में भारत को उसको प्रतिकार करके जवाब देना पड़ा। अब इस बार भविष्य में कैसा होगा क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि इससे मैं बहुत आशान्वित हूँ, और आने वाले समय में क्योंकि पाकिस्तान को भी अगर अपनी अर्थव्यवस्था को अपने देश को सुधारना है तो निश्चित रूप से उसको शांति की राह में आगे बढ़ना पड़ेगा, आतंकवाद को पनाह नहीं देना पड़ेगी, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को यहाँ से दूर करना पड़ेगा, और हर चीज में जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है उसके आधार पर उसको आतंकवाद दूर करने के लिए भारत का साथ देना पड़ेगा, और अगर सारे देश मिलजुल करके आतंकवाद से लड़े तो मैं समझता हूँ और अच्छी भावना के साथ लड़े तो पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती है। चलिए हमारे साथ फोन लाइन पर भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो भी जुड़ गए। भूपेन जी आपका स्वागत है। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को और क्या उम्मीदें हैं आपको? कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। दूसरी चीज इससे ये है कि किसी भी सरकार को देश के साथ कोई भी जो इस तरह की विदेश नीति से संबंधित मसले हैं उनको साझा करना चाहिए और पुराने इतिहास को समझ कर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। ये पहली सरकार है जिसने तीन बार वार्ता बिना किसी कंडीशन के छोड़ दी और स्वयं ही अपनी तरफ से डिक्लेयर भी कर दिया कि अब बातचीत नहीं की जाएगी, और उसके बाद फिर गिरते पड़ते खुद ही वार्ता शुरू कर दी। ये भारत की जैसे से एक स्वयंभू राष्ट्र के लिए इससे शर्मनाक अधिक कुछ नहीं हो सकता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी उनसे हाथ मिलाया नवाज शरीफ से, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो तो खुद हाथ मिलाने आए थे, मैंने तो उन्हें बुलाया नहीं था। तो ये जो क्या है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो डिप्लोमेसी है, उस डिप्लोमेसी में जहाँ पर बॉडी लैंग्वेज का भी लोग गलत लगाते हैं, वहां पर अगर किसी राष्ट्र के साथ इस तरह का व्यवहार हमारे सामने आता है तो इसका मतलब है कि हम जो है बहुत नीचे उतर के बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं, और देश को ये समझाना जरूरी है कि आखिर जो है 56 इंच का सीना लेके निकले हुए लोग इतने झुककर और इतने गिर पड़ के पाकिस्तान के साथ हाथ क्यों मिलाना चाहते हैं। हम भारत आज किस दृष्टि से पाकिस्तान से कमजोर है, या भारत की ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण उसे पाकिस्तान के सामने इतना नीचे उतरना चाहिए, ये समझने की बात है। और जहां तक बात ये शांति व्यवस्था सारी बातें हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं, सैकड़ों सालों से चल रहे हैं और इन पर जो है एक एक कदम आगे जाता है, उन पर कोई इस तरह से दौड़ भाग कर निर्णय नहीं लिए जाते हैं। इस आप क्या कुछ आशान्वित है कुछ अगर दोनों देशों में बेहतर रिश्ते कायम हो जाते हैं इस कोशिश से? ठीक है, स्टैंड बार बार बदलते हैं, कई तरह की बातें बार बार करते हैं, आप क्या आशान्वित हैं, आपको क्या उम्मीद है? देखिए की तारीख में जो पाकिस्तान की परिस्थितियां हैं और जो भारत की परिस्थितियां हैं, जो एक जो सामने आ रही है चीज, उसमें हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर की जो परिस्थितियां हैं वो नवाज शरीफ के बहुत अनुकूल नहीं है। और आपको याद हो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जो है नोबेल शांति पुरस्कार के चक्कर में उस लोग में बहुत आगे बढ़कर बात की थी,
और तब नवाज शरीफ का जो समझौता हुआ था तो उसमें जो है वहाँ की सेना ने दगा कर दिया था और उसमें हमें कारगिल उपहार में मिला था। चलिए वही परिस्थितियाँ। भूपेन जी हम भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया इसमें लेते हैं। शशांक जी हमारे साथ है। शशांक जी क्या कहेंगे आप? भूपेन जी ने कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की हैं और बार बार ये जो कभी कहते हैं बात करेंगे कभी नहीं बात करेंगे इस तरह की जो बातचीत आ रही है इसको आप कह सकते हैं? मेरा ये मानना है जी कि अटल जी ने ना तो कोई नोबेल पुरस्कार के लिए काम किया जी और ना नरेंद्र मोदी जी इस तरह की किसी दिशा में कोई काम कर रहे हैं। किसी भी बात को नकारात्मक दिशा में ले जाना और उसको उस तरह की सोचना मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। राज्य की देश की सरकार है और देश की सरकार पूरे क्षेत्र में शांति चाहती है और उसके लिए अगर कोई प्रयास सकारात्मक चाहे पाकिस्तान की ओर से हो चाहे भारत की ओर से हो दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए और जो प्रयास होता है और अगर हाथ बढ़ाने का माहौल बनता है शांति का वातावरण बनता है तो इसमें निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। और इस बात को लेकर के कि कब कौन गया कैसे गया क्योंकि समय काल परिस्थिति के आधार पर विदेश नीति बदलती रहती है। कभी उन्होंने अगर बॉर्डर में घुसपैठ करी आतंकवादियों को साथ दिया 26/11 जैसे अगर हमला हुआ घटना हुई उस आधार पर उस समय कार्रवाई की गई और अभी जब अगर माहौल बन रहा है और गर्माहट आ रही है तो वी शुड ऑल्सो बी होपफुल। हमें खुद इस बात के लिए उम्मीद रखना चाहिए कि आने वाला समय अच्छा होगा। हो सकता है इस बार हम जो है जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिले हमको और आने वाले समय में जो अभी सुषमा जी का जो दौरा हुआ है और उसके बाद माननीय मोदी जी का दौरा होगा तो हो सकता है एक नया इतिहास लिखा जाए। विपक्ष के मन में जो आशंका है शशांक जी, विपक्ष के मन में जो आशंका है अभी आपने अचानक चर्चा बंद कर दी। एक बार बात करते करते आपने कहा नहीं बात करेंगे, फिर दूसरी बार बातचीत हुई फिर बोले कि आप इनसे बात करेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, अब आप बिना शर्त के चले गए। ये जो सारी चीजें हैं ये अलग अलग तरह की जो बात है इसी को लेकर विपक्ष आशंकित है और वो कहता है कि भारत कोई इतना कमजोर या इस तरह का देश नहीं है जिसको इस तरह से इतनी मजबूर होकर ऐसे विवश होकर इस तरह से बातचीत करनी पड़े अपने स्टैंड बार बार बदलने पड़े। ये उनका तर्क था, इसको आप क्या कहेंगे कैसे कहेंगे? नहीं मैं ये मानता हूँ कि समय पर परिस्थिति के आधार पर स्टैंड बदलते हैं लेकिन आप इस बात को ऐसे बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो कि हमने अगर एक कदम आगे बढ़ाया अगर किसी जगह बुलाया गया है आज कोई शर्त की बात नहीं है। और अगर कोई ऐसी स्थिति है आज बॉर्डर पे देखिए कितनी शांति है, पहले से जो परिवर्तन आया कितने घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है और वहां पर जो पावर दिए गए हैं और वहां जनता की चुनी हुई सरकार काम कर रही है तो उससे पूरा वातावरण कश्मीर का ही वातावरण बदल रहा है, उसकी फिजा बदल रही है और साथ ही साथ बॉर्डर में जिस तरह की घुसपैठ की घटनाएं हैं लगातार ISIS के झंडे दिख रहे हैं, उसके साथ साथ लगातार घुसपैठ में जो कर रहे हैं कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं कुछ हमले हो रहे हैं और सीज फायर का उल्लंघन तो लगातार बहुत बार हुआ है। हाँ अब एक दो दिनों में क्या हो रहा है इस पर भी रोशनी डालेंगे हम, लेकिन डॉक्टर संतोष मानो आप कैसे देखते हैं? दोनों की बातें आपने सुनी, ये बहुत आशान्वित हैं और उनके मन में इस सारी बातों को लेकर एक अजीब सी निराशा है। मुझे लगता है कि सही बिंदु की ओर डिस्कशन से थोड़ा हम डाइवर्ट हो रहा है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच कोई पीस टॉक नहीं है, कोई शांति वार्ता नहीं है, यहाँ कोई आपसी समन्वय या दोनों देश मिलजुल कर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करें वो बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान में एक सम्मेलन हो रहा है जिसका नाम हार्ट ऑफ एशिया है और ये संगठन इसलिए बना था कि अफगानिस्तान की रक्षा करे वहां की चीजें सुधारे। उस सम्मेलन में भाग लेने उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने सुषमा स्वराज गई, तो ये इसमें ये कहना कि हम झुक के बात कर रहे हैं पाकिस्तान से और हम इतना मजबूत देश है और हम झुक गए उसके सामने और पहले भाजपा की केंद्र की सरकार ने कहा था कि जब तक सीमा पे गोलियां चलेंगी तब तक पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, 56 इंच का सीना ये सब कुछ है ही नहीं। सुषमा स्वराज कोई पीस टॉक करने नहीं गई है, एजेंडा ही कुछ और है, एजेंडा अलग है जी। और उसमें तो भारत को जाना ही चाहिए था, अगर सुषमा स्वराज नहीं जाती तो पूरी दुनिया में संदेश गलत जाता है, भारत की आलोचना होती। तो मुझे तो लगता है सरकार का बहुत सही कदम है और ये होना चाहिए था। और एक अलग दृष्टि से देखें तो दिल मिले ना मिले हाथ तो मिलाना ही चाहिए, समस्याओं का समाधान बातचीत से ही होगा, गोली से थोड़ी होता है कि समस्या का समाधान। जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है और बहुत तरह की चीज बड़ी सकारात्मक बातचीत चल रही है, लेकिन जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी पीएम इन वेटिंग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों पर और बहुत तरह की चीज़ों पर, आज नज़रिया और सोच बदली है। हो सकता है जिम्मेदारियों के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन आज
कांग्रेस अभी भी जो कुछ कह रही है बड़ा समझ संभल कर कह रही है, लेकिन पीएम इन वेटिंग ने इस बारे में संभलने की कोशिश नहीं की थी। 56 इंच के सीने तक की बातचीत सारी बातें की थी। संतोष मानव जी, आप कैसे कैसे देखते हैं उन पुरानी चीजों को और उम्मीद क्या करते हैं आप इसमें? ये सिर्फ हाटा फेशिया से सिर्फ एक रस्म अदायगी होनी है या कहीं कुछ गर्मा? मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी का भाषण, मुझे याद है कि गोली का जवाब जो है गोली से मिलेगा, हम उन लोगों में नहीं है जो बर्दाश्त कर लेते हैं इस तरह की बड़ी कठोर भाषा। एक के बदले 10 सर लाएंगे, एक के बदले 10 गिराएंगे, इस तरह की भाषा वो बोलते थे, मैंने सुना भी है। लेकिन देखिए, वोट पाने के लिए चुनावी सभाओं में भाषण देना अलग चीज है और राजनयिक संबंध अलग है। ये इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के तौर पे वो नहीं कह सकते जो पीएम इन वेटिंग और प्रधानमंत्री के रूप में बोला करते थे, 56 इंच के सीने के साथ जो वो बोलते जो कहा करते थे। जहां तक इस सम्मेलन का बात है, इस सम्मेलन का एक सवाल है तो वहां तो जाना ही चाहिए था, वो गए नहीं। इस सम्मेलन में क्या कुछ रिश्तों में गर्माहट आने वाली है, कुछ उम्मीदें हैं या एक रस्म अदायगी है? आप मतलब बहुत सपाट भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं, आप आजादी के बाद से देखिए ना जी, 1947 के बाद से आज तक पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे रहे हैं? कभी नरम कभी गरम, वो पूरी तरह से शांति तो कभी नहीं रही है। तो हमें ये उम्मीद पाल लेना कि ये बहुत ही सकारात्मक कदम है और इसके बाद ऐसा होगा और दोनों देश में शांति रहेगी, झगड़े बंद हो जाएंगे, दोनों मिलकर विकास करेंगे, ये काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कभी नहीं होना है। मैं इस बारे में जब सोचता हूँ तो मेरे विचार थोड़े नकारात्मक है। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान की जनता या भारत की जनता ये चाहती होगी कि पीस रहे, क्योंकि हमारा उनके साथ विवाह का संबंध है, पारिवारिक संबंध है, आना जाना है, तो जनता में जरूर पीस की कामना होगी। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको सरकार बनाना है वो नहीं चाहती और वो कभी चाहेंगी भी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये संबंध हमेशा नरम गरम ही रहेगा, कभी गोली चलेगी कभी शांति रहेगी, पूर्ण शांति कभी नहीं होना है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल भूपेन्द्र गुप्ता जी आप क्या उम्मीद करते हैं सारी चीजों से? देखिए, मैंने भी जैसे कहा कि डिप्लोमेसी तो जो है निरंतर जो पॉसिबिलिटीज को खोजने का काम है, लेकिन वो किस कॉस्ट पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहूँ कि ये सारी जो चीजें हैं, अभी जो भी डिस्कशन चल रहा है वो इस बात को इग्नोर करके चलने की कोशिश हो रही है। देखिए, इसके पहले जो क्रिकेट अच्छी बात मैंने अभी कहा, उसके पहले नासा लेवल की बैठक भी हो चुकी है। ये सब चीजें जो है विदाउट एनी एजेंडा हो रही है, और आपको याद हो कि विदाउट एनी एजेंडा जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के आगरा की समिट रखी गई थी, जिसको जो है तब माननीय सुषमा स्वराज जी ने सबोटेज किया था, और वो जो है बिना किसी बातचीत के जो है सुबह 5 बजे मुशर्रफ साहब वापस चले गए थे। तो बिना एजेंडे के ऐसे दो राष्ट्रों के बीच में जिनके पास हमेशा संदेह का वातावरण बना रहा है, अगर इन दो राष्ट्रों के बीच में कोई बातचीत होती है तो वो बातचीत जो है बहुत फलदायी नहीं हो सकती है, और उस बातचीत से जो है बहुत आगे बढ़ा नहीं जा सकता। रस्मत आएगी, ठीक है, आप हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हम आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अगर देश के लिए जिस तरह की बातें हमारे डॉक्टर संतोष मानव कह रहे थे कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, कुछ तो करना पड़ेगा, वहां से संगीतकारों को यहाँ बुलाना पड़ेगा, क्रिकेट भी यहाँ खेलनी पड़ेगी, हाथ भी मिलाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक गर्माहट तो बना के रखनी ही पड़ेगी, कभी ना कभी बर्फ पिघलेगी इस उम्मीद के साथ। क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अगर केवल ये अपने को आशावादी होना जरूरी है, इसलिए कि हम एक बहुत बड़े स्वयंभू राष्ट्र के जो है नागरिक हैं, आशावादी हमें होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो एक हमारा सेट हर चीज के एक मानदंड होते हैं और जिन पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स को हमारी 60 साल की डिप्लोमेसी ने तय किया है, उस लाइन पर अगर हम बात करेंगे आगे बढ़ेंगे तभी हमें सफलता हासिल होगी। उन्हें हम इग्नोर करके, उन्हें दरकिनार करके अगर हम कोई काम करते हैं तो उससे बहुत सफलता की अपेक्षा लोगों को रोकती रोशनी में काम करना चाहिए। सुशांत सिंह, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया मैं चाहता हूँ इस पूरे मामले में, फिर हम कार्यक्रम की समाप्त। भूमि ये रही है कि वहाँ पर जो लोकतंत्र है भारत का जैसा लोकतंत्र नहीं है, वहाँ सेना का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है वहाँ के प्रशासन के ऊपर, और जो भी प्रधानमंत्री अगर निर्णय लेता है तो जब तक सेना को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं लेता तब तक पीस पूरी तरह कायम नहीं हो सकती, और वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां और भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर ओपन डेमोक्रेसी है, हर तरह का लोकतंत्र है, खुला हुआ लोकतंत्र है, यहाँ पर सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं,
और जो निर्णय होते हैं वो डिप्लोमेसी के आधार पर होते हैं। सेना अपनी जगह काम करती है, सरकार अपनी जगह काम करती है, लेकिन पाकिस्तान में वैसी स्थिति नहीं है। पाकिस्तान में जब तक वहां की सेना और वहां के पॉलिटिशियंस दोनों मिलकर के अगर काम करके कोई निर्णय नहीं लेंगे तो वहां कोई भी शांति नहीं हो सकती। और हम आगे उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह का परिवर्तन होता है, पर पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार हुआ है, वहां पे भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बच्चों को हलाल किया गया है, आतंकवादी गतिविधियां हुई है, पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है, इस बात से निकाल नहीं सकते, क्योंकि जिस आतंकवाद को उसने पाला है वो उसको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है और भारत को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि आतंकवाद हर हाल में बुरा है और कोई धर्म आतंकवाद के लिए नहीं कहता, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो आतंकवाद का समर्थन करता हो, लेकिन धार्मिक कट्टरता और कुछ ऐसी संस्थाएं आईएसआईएस जैसी संस्थाएं पूरे देश का पूरे विश्व का वातावरण बिगाड़ने में लगी है, इन परिस्थितियों में बहुत संतुलित रह करके आगे बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान भी उससे पीड़ित है, हम भी आतंकवाद से पीड़ित है, अगर मिलकर के इस काम को करेंगे और सेना इसको ईमानदारी से लागू करेगी तो मैं समझता हूँ कि भारत पाकिस्तान के संबंध हो सकता आगे चल के सुधर जाए और एक नया इतिहास। चलिए, एक उम्मीद हम सब करते हैं और उम्मीद होनी भी चाहिए। भूपेन गुप्ता आप हमारे साथ जुड़े, शशांक श्रीवास्तव आप हमारे साथ जुड़े और डॉक्टर संतोष मानव आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर एक सम्मेलन है, रिश्तों में कुछ गर्माहट है, अब बर्फ कितनी पिघलेगी इस पर सबकी निगाह है। कई बार कई तरीके से अलग अलग अंदाज में हम मिलते हैं और फिर हम रूठ भी जाते हैं। अब इस बार ये मिलना क्या नतीजे लेकर आता है, किस तरह से हमारे रिश्ते आगे बढ़ते हैं, इस पर सबकी निगाह है, सबकी नज़र है और सबकी उम्मीद भी कायम है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।